सर प्रणाम, सब गोटे के स्वागत है अहाँ का अपन यूट्यूब मैथिली ब्लॉग के चैनल मिथिला ग्लोरी पर। तो आज हम एक बहुत ही स्पेशल जर्नी पर निकल गए छी। आज अहाँ हम कतौ दूसरे जगह लग नहीं जा रहा हूँ। आज अहाँ का हम आगे जो हमें ब्लॉग आवे वाला है ओकर तैयारी कर रहा हूँ। एक बाद जो हमारे ब्लॉग है जैसे कि अहाँ सबके पिछला वीडियो में बतेने छलो कि उसका बाद जो हमारे ब्लॉग है से लाइक मैथिली लाइक मिथिला दर्शन करब जकर कि शीर्षक रह जकर कि टाइटल रह प्ले लिस्ट का मैथिल मिथिला में। तो आज हम एतस निकल रहूँ लाइक मुंबई से हम दरभंगा तक के यात्रा करब। अखन 7 बजे वाला छे और हम 4 बजे से जागल छे बिकॉज हम पैकिंग तैकिंग किछो नहि भेल छलै। हम तो पैकिंग सब केलहुँ कनि मनी खाना सब बनेलहुँ बिकॉज अखन कोविड के टाइम छे और अगर खाना सब ट्रेन सबमे लाइक कनि लाइक रिस्की रहते दुआरे छै अपन खाना सब साथमे कैरी करी सब सामान सब सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बढ़िया रहते हो। और जखन हम गाँव पहुँचब गाँव में अहाँके बहुत सारा जगह को हम लाइक एक्सप्लोर करे वाला छी। लाइक हम बेसी दिन तो नहीं रहब, मुश्किल से 12-14 दिन छी गाँव में, लेकिन 12-14 दिन में जते भऽ सकैए हम पूरा मिथिला मैथिल के एक्सप्लोर कर अहाँ सबके देखायब। तो एक बार अहाँ सबसे एक टा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो जो देखे छी सपोर्ट करो। अगर अहाँ सब सपोर्ट नहीं करो तो हम मिथिला मैथिल केना आगे बढ़ते। तो अहाँ सबसे एतबी रिक्वेस्ट है वीडियो के बेसी से बेसी लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल के सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम अहाँक और बेसी से बेसी लाइक वीडियो बेसी से बेसी जगह का अपना भाषा मैथिली में एक्सप्लोर करके देखा सकै छी। और अहाँ सबसे एगो इहो रिक्वेस्ट है कि अखन हम जेना जा रहल हूँ दरभंगा मिथिला जा रहल हूँ, तो अहाँ सबसे अगर अहाँ कोनो स्पेशल जगह को एक्सप्लोर करके आए तो हमरा कमेंट बॉक्स में बता सकै छी कि भाई जी अहाँ लाइक एहि जगह पर जाओ, एहि जगह हमरा एक्सप्लोर करके बताबू। ओना तो हमरा लिस्ट में लगभग 25-30 टा ऑलरेडी हम लिस्ट बना चुकल छी। तो देखै छी ओहिमे अगर अहाँ सब कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट हेतै तऽ हम ओकरा ओहिके ऊपर सेहो हम ध्यान देबै, ओहिके ऊपर सेहो हम वीडियो बनायब। तऽ चलू आजका जर्नी स्टार्ट करै छी। अखन लगभग 7 बजे वाला छै, हम 7:30 बजे एतऽ सँ निकलब, एतऽ सँ विरार सँ ट्रेन पकड़ब। कुरला तऽ हम डायरेक्ट ट्रेन से नहि जाएब बिकॉज बहुत हरेसिंग भऽ जेतै, एतऽ सँ हमरा दादर जगह दादर से फेर चेंज करू कुरला, कुरला से फेर चेंज करू तिलक नगर के लेल। तऽ ताहि दुआरे हम एतऽ सँ विले पार्ली तक जायब ट्रेन सँ एंड ओहिके बाद हम रिक्शा कऽ लेब ओतऽ सँ, से लाइक बेसी इजी रहतै। तऽ चलू मिलै छी वीडियोमे। तऽ देख सकै छियै दही चीनी से तऽ रेडी भऽ गेल छै, तऽ दही चीनी सब खा कऽ अपन यात्रा एतऽ सँ शुरुआत कऽ रहल छी हम। तऽ हम पहुँच गेल छी लोकमान्य तिलक टर्मिनल जेकि कुर्ला स्टेशनके नामसँ सेहो जानल जाइ छै। देख सकै छी बाहरके व्यू कते बढ़िआँ लागि रहल अछि। चलू अन्दर चलिके देखै छी आओर ट्रेन अयलै कि नहि अयलै से पता करैके छै। तऽ जेनाकि अहाँ सबके हम बतेलहुँ कि हम अखन स्टेशनमे पहुँच गेलियै, बट एकटा चीज हम बतबै लए अहाँ सबके लिए चाहै छी कि हम जे जा रहल एकटा स्पेशल काजसँ जा रहल छियै आओर ताहि दुआरे हम जे छै ने प्लेनके टिकट पहिले बनेने छलियै दरभंगा अपना मुंबईसँ लऽ कऽ दरभंगा तक कऽ, बट अखन तऽ बुझलियै कि हमर कते केहन मौसम छै, पूरा प्लेन कैंसिल भऽ रहलै हँ आओर बहुत सारा प्लेनके रूट डाइवर्ट भऽ रहलै हँ। तऽ अगर अगर इनकेस ओना हेतै तऽ हम जे काज दुआरे जा रहलहुँ काज नहि भऽ पेतै, तऽ ताहि दुआरे हम सोचलहुँ कि आरामसँ ई कैंसिले कऽ दियै प्लेनके आओर बाकी फेर हम ट्रेनके टिकट बनेलहुँ। तऽ ट्रेनके ट्रेनोमे हमरा जे छै ने लाइक नहि स्लीपर क्लासके, तऽ हमरा बादमे सीटिंग सीटिंग 2 जे बैसैवला सीट यऽ से भेटल नहि, हमरा एसीवला नहि भेटल, तऽ उएहवला लाइक लेलहुँ लास्टमे सीटिंगवला। आब निकलै छी एतयसँ। अहाँ सबके बुझल हैत कि ई जे छै लाइक मुंबईसँ दरभंगा अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर छै, तऽ ई जर्नी बहुत लम्बा होइवला छै। आओर अहाँ सबके हम स्टेशनके बारेमे सेहो अपडेट देब कि कतेक चीज डेवलप 2 साल पहिले जे आयल छलै ओहिसँ पहिले स्टेशन केहन छलै, चाहे कोनो चीज चाहे ट्रेनके फैसिलिटी केहन छलै, 2 सालमे कतेक इम्प्रूव भेलै हँ कोनो भी चीज, तऽ अहाँ सबके पूरा अपडेट देब। अहाँ सब खाली वीडियोमे बनल रहू अन्त तक। ई छै हमर ट्रेन, अहाँ सब देख सकै छी पवन एक्सप्रेस आबि गेलै स्टेशनपर लागि रहल यऽ। तऽ अन्दर बैसिकऽ फेर अहाँ सबसँ हम बात करै छी। तऽ ट्रेन 1 घंटासँ बेसी चलि चुकल छै, हम कल्याण लगभग क्रॉस कऽ चुकल छी, तऽ अखन लंचके टाइम सेहो भऽ गेल छै, तऽ सोचलहुँ पहिले खाना खा ली। तऽ हम खानामे आनै छी चिकन पालक आओर रोटी जे बहुत सुन्दर बनल छै, तऽ चलू खाइ छी। तऽ अखन हम पहुँच गेल छी इटारसी जंक्शन, देख सकै छी हमरा पीछामे इटारसी जंक्शन छै, बहुत ही बढ़िआँ जंक्शन छै। अहाँसब आदमी पता हैत जे आदमी आबैत हैत मुंबई आबैत हैत। तऽ एक्चुअली हमरा अप्रोक्सीमेटली 12 घंटा भऽ गेल अपन यात्रा प्रारम्भ केला आओर हम अखन तक कतेक 500-600 किलोमीटरके यात्रा कम्प्लीट कऽ चुकलहुँ। बट एकटा चीज अहाँ सबके बता दै छी कि ई जे हमर जर्नी छै से सबसँ लाइक एक तरीकासँ कहियौ तऽ ई चीज हम एक्सपेक्ट नहि केने छलियै, बिकॉज अखन जे कोविडके टाइम छै अखन देखै छियै सीट बाय सीट लोक सब आबै छै, किएकि जकरा सीट नंबर अलॉट रहै छै 8 आबै छै। बट अखन एहि ट्रेनमे ई की भऽ रहलै हँ, गवर्नमेंट बस खाली एकटा छै ने लाइक एतऽ बनेने छै बस प्रोटोकॉल, लेकिन केओ फॉलो गवर्नमेंट खुद नहि करै छै।
तो खाली बस वो कहै छै कि सीट वाला आदमी रहते पर एना ही नहीं छै। तो एखन देखलिए मिस जे आदमी सब छै जेकरा पास टिकट नहीं छै वो आबि रहल है और वो ट्रेन के अंदर टीटी यानी टिकट दौ रहा है और वो कत्तौ बैठ सकैए कत्तौ बैस रहा है। कारण की भ गेल है कि ट्रेन कते गर्दी भ गेल है। एगो आदमी के पास पता है हम अपने सब आदमी को जे आबै छै से चर चर पस पस को लगे जे लोग को बोरिया पता नहीं की चीज सब रहै छै। तो वही चक्कर में की भ गेल कि लाइक हम तत्ते हमरा लाइक एक तरीका से लाइक कनी गुस्सा से आबि गेल यार जकर सीट चले तकरा तो बस तकर सामान तरह खा जी और इस लाइक कोविड के टाइम छै यार नहीं कोनो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कोनो सैनिटाइजिंग कोई किछु नहीं करै छै बस खाली सब बैसल छै। तै बार एक्चुअली बीच के वीडियो नहीं बनेलो वहां सब देखियो नहीं गेलो ई छी नैनी ब्रिज जे नैनी और प्रयागराज से कनेक्ट कर छै ई लाइक इंडिया के कह सकै छी सबसे बड़का लाइक केबल रेल ब्रिज छै जे कि 2004 में कंस्ट्रक्शन भेल छलै एकर जे नैनी और प्रयागराज से कनेक्ट करै छै। तो अखन हम प्रयागराज पहुँच गेल छी जे पहले इलाहाबाद के नाम से सेहो जानल जाइ छलै और सेकेंडरी अखन एते लाइक ठंडी छै ठंडी हम एक्सपेक्ट नहि केने छलहुँ लाइक हमरा नहि बुझाइ छलै कि एते ठंडी अखन तऽ बिकॉज एहिसँ पहिले ओ जे लाइक हम जे आलो छलियै तऽ गर्मी छुट्टी सब आबै छलियै तऽ ओहि टाइम मे एते ठंडी नहि रहै छलै लेकिन अखन बहुत ठंडी छै। इतने सारा प्रॉब्लम लाइक फेस कर रहा हूँ बिकॉज गाँव जा रहा है गाँव जाए खुशियाँ तक पता है हाथ की केहन है छे। तो हमू बहुत एक्साइटेड छे बिकॉज हमू लाइक अगर बताओ तो डेढ़ दू साल के बाद हम गाँव जा रहे हूँ तो हमू बहुत एक्साइटेड छे। कई बार जते भी प्रॉब्लम हो रहे चाहे जो भी फेस कर निकल रहे हूँ और वो जो अपन छै ना मेट के खुशबू एत यूपीए से बुझे तो हमारा वो आबि रहा है। अखन हम पहुँच गए छपरा लगभग अप्रोक्सीमेटली 30-31 घंटा के जर्नी के लाग के बाद और अहाँ सब मुझे ऑलरेडी पता है कि छपरा स्टेशन से बहुत डेवलप्ड स्टेशन से ये वन ऑफ द बिहार के अगर टॉप 5 स्टेशन में से कंपेयर करो अगर तो एक स्टेशन से। तो हमें जर्नी लाइक हम कल जाना कि कल स्टार्ट करने चला हमारा लगभग दोसर दिन छी और साँझ के 6:30 भईवला छै और पूरा अंधेरा भ गेल छै सब और लगभग हम 6 घंटा के और जर्नी बाकी है तो वो कम्प्लीट करब दरभंगा पहुँचे के लिए। तो एक बार फिर ओतऽ से हम कैब वगैरह किछु करब तो चलू अहाँ सब वीडियो में कंटिन्यू करै छी और आगे वीडियो अहाँ सब तो मिलै छी उतरि गेल छी एतऽ लेकिन तो शायद कोविड की स्ट्रेस लऽ रहल अइ सब लाइक कोनो सर्टिफिकेट देखतै तऽ ओ हम देखा कऽ फेर तक वहाँ सब बाहर निकलि कऽ हम बात करै छी। तऽ ई छी नवका आधुनिक दरभंगा स्टेशन अहाँ सब देख सकै छी मिथिला पेंटिंग के जे कलाकृति छै ओहि सब पर कते बढ़िआँ सँ बिखेरल गेल छै कते सुन्दर स्टेशन लागि रहल हँ। दरभंगा स्टेशन के एकटा हम अलग से ब्लॉग बनबै वाला छी तऽ ओहिमे पूरा स्टेशन के एक्सप्लोर करब हम। फाइनली हम पहुँच गए दरभंगा एतऽ से अप्रोक्सीमेटली हमारे घर 30 किलोमीटर यऽ तऽ एतऽ से हम निकलबै और ई जर्नी हमर लाइक इट्स अ काइंड ऑफ एवरेज छलै किएक तऽ एतऽ लाइक रस वगैरह तऽ एक्सपेक्ट नहि कर सकलियै नहि तऽ बहुत रस छलै और स्टेशन गेलाके बाद कोविड वगैरह सब टेस्ट केलकै ओहिके बाद रिलीज कऽ रहल और हमरा पीछे देख सकै छी स्टेशनके पार्ट छै बहुत मस्त लागि रहल अखन जे छै ने स्टेशनके बहुत बढ़िआँसँ डेकोरेट कऽ देलकै और अंदर सब छै मिथिला पेंटिंगके पूरा पेंटिंगसँ कयल गेल छै प्लस किस किस जे छै इक्विपमेंट्स सेहो बनायल गेल छै आजादी टाइमके छै बाकी अहाँ स्टेशन पूरा देख सकै छी। एतऽ उतरलाके बाद पता एकटा अलगे खुशी महसूस भऽ रहल अइ एकटा अलगे अपनापन लागि रहल अइ अपन जे छै ने मिथिलाके धरती पर उतरलाके बाद एकटा अलगे चेहरापर खुशी खेल गेल अइ आओर एक बार जखन स्टेशन पर उतरलहुँ तऽ स्टेशन एखन एतेक आओर बढ़िआँ डेवलप भऽ गेल छै एतेक मिथिला पेंटिंगके अपन जे भाषा सुनल आब लगातार जे अपन भाषा सुनि रहल अइ ओकर एकटा अलगे मिठास हमरा महसूस भऽ रहल अइ तऽ लाइक बहुत बढ़िआँ लागल रहल छै। ठीक छै सफरमे जे भेलै रास्तामे कनि दिक्कत सिक्कत लेकिन उतरलाके बाद छै ने एकटा अलगेमे फीलिंग आबि रहल तऽ एहिके सङ्ग आजका वीडियो खतम भेल। सब आदमी ख्याल राखू मिलै छै अगला वीडियोमे। जय मिथिला जय मैथिली।